हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई आज है 22 तारीख, 22 जनवरी 2024। आज अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन हुआ और हमारे स्कूटर में वो अपडेट आया उसका। देखो ये डाउनलोड हो रहा है, वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। अब देखते हैं इसमें अपडेट होने के बाद क्या क्या चेंज आता है, मैं आपको बताता हूँ। ये अपडेट ये डाउनलोड होने ही वाला है। वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है फ़ोन से और भाई ये 1.13 GB का है। और चलो इसको डाउनलोड होने देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंज आया है अपडेट होने के बाद। भाई इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी भी ये 1 मिनट 32 सेकंड दिखा रहा है और मैं आ चुका हूँ इस टाइम पे खेत में। ये देखो गाइस, यहाँ पे काम लगा रखा था उसे देखने, आज तो आए नहीं भाई वो। ये क्या क्या काम हुआ, ये नाली साफ करवा रहे भाई पेड्डे लगाने के लिए, फिर यहाँ पे लगाएंगे पॉपुलर। सो गाइस डाउनलोड हो गया है, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल नाउ। तो भाई इसमें तो थोड़ा टाइम सा लग रहा इसे इंस्टॉल होने में। ये देखो अब तक 5 मिनट हो गए, ये आधा ही हुआ। तो भाई इंस्टॉल हो गया ये, अब इसको ऑन होने दो फिर देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज आया है। सो गाइस अब ये आ गया है, वेरीफाइंग इंस्टॉलेशन, इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। एक तो भाई इसमें ये ट्रिप मीटर चेंज हो गया और भाई इसमें आ गया ये देखो, ये सब चेंज हो गया। डार्क मोड यहीं से कर सकते हैं, सेफ्टी लाइट्स, ये साउंड भी यहीं से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और मैप में भी चेंज आया है। अब आपको दिखाता हूँ इसकी सेटिंग। ये देखो ये टॉप स्पीड यहाँ दिखाएगा, हाइपर मोड, स्पोर्ट्स मोड ये दिखाएगा और इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल भी आया होगा, आया है। अभी दिखाता हूँ भाई ऑल सेटिंग्स में जाके हम देखेंगे। एक तो ये राइडिंग में जाएंगे जैसे ही, ये आ गया हिल होल्ड
असिस्ट, इसको ये देखो, ये एक्टिवेट होगा भाई। ब्रेक होल्ड करके रखने तो ये हो जाएगा ऑन, फिर ये एक जैसे ना वहाँ पे पहाड़ पे चढ़ रहे या कोई स्लोप है उस पे चढ़ रहे तो ये पीछे नहीं आएगी, इससे ये फायदा होगा। फिर डीएक्टिवेट करना है, फिर एक बार मतलब ब्रेक दबा के वो कर देना है, थोड़ा एक्सीलेट कर देना है, फिर हो जाएगा ये। हिल होल वर्क फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन बेस्ड ऑन यूज ब्रेक और मूव फॉरवर्ड। देखो ये हो गया, इसके बाद है बैटरी सेफ्टी सिक्योरिटीज को गेट हेल्प। ये देखो भाई थोड़ा ही स्मूथ भी चल रहा है ये। ये है एक, ये भी नया आया है इसमें, टेक मी होम लाइट्स। ये हेडलैम्प्स रिमेन ऑन फॉर 30 सेकेंड आफ्टर, ये मतलब 30 सेकेंड तक ऑफ होने के बाद भी वो रहेगी ऑन। ये तो इसमें पहले ही था बहुत इसमें। अच्छा ये आया है एक नया, ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर, इसको ऑन कर लेते हैं। ये जैसे हम कहीं पे मुड़ेंगे और फिर इंडिकेटर देते हैं ना तो ये ऑटो ऑफ हो जाएगा, तो भाई ये चीज़ें इसमें आई है नहीं। बाकी आपको चलते हुए मैं करके दिखाता हूँ एक दो बार, चलते हैं भाई। और भाई मुझे तो थोड़ी ये स्मूथ सी भी लग रही अपडेट होने के बाद, जो वो जर्क सा था ना इसमें स्टार्टिंग में, ये देखो नॉर्मल मोड पे ये अब कम आ रहा है इसमें, ये देखो। और अब यहाँ पे इंडिकेटर दे के देखते हैं एक बार, ये गाइस इंडिकेटर दे दिया, देखते हैं। ये देखो ऑटो ऑफ हो गया, तो ये भी अच्छा फीचर है इसमें, क्योंकि ना पता बाइक में तो आदत सी रहती है, इसमें आदत सी नहीं होती, ये हाथ में नहीं पड़ता मतलब इसमें। और एक ये हुआ है, ये देखो इको मोड है और इसका क्रूज कंट्रोल काम कर रहा है इको मोड में भी, ये देखो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही मतलब अपडेट्स जो जो मैं नोटिस करूँगा वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा।